हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी। आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को लेके, नेक्स्ट चैप्टर को लेके। एक्चुअली देखा जाए तो जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ ही मैं आपको ये भी बोल दूँ कि ये आपके ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है। मैं थोड़ा तो पहले से अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि हम तो ये वाला चैप्टर पहले करो, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेंथी चैप्टर जैसे आपका फर्स्ट लेंथी था वैसे ये भी थोड़ा सा लेंथी। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चैप्टर में एक ही चीज़ कॉमन है कि अगर समझ में आया कंसेप्ट तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर आपको इधर उधर से देखना पड़ेगा, कॉपी मारना पड़ेगा। तो उसके भरोसे ना ही रहो तो अच्छा है, तो लक की बात होती है। मौका मिल गया तो ठीक है, चौका मार लेना। बट अगर नहीं मौका मिल रहा है तो सबसे सबसे पहले तो आप यही ट्राई करो कि आपकी कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्यूशन। क्या है ये चैप्टर में, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। पहला वाला आज का जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, जो जाएगा ये फर्स्ट वीडियो आपको जो अपलोड किया जाएगा, उस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको देख के क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा लेंथी वीडियोज है, बट कोई दिक्कत नहीं। आप इंट्रोडक्शन को जरूर अच्छे से देखो, ताकि बाकी जब बाकी के जो फिर वीडियोज रहेंगे उनको अगर आप ज्यादा स्पीड से भी देख रहे हो, मल्टीप्लाई बाई टू की स्पीड से भी अगर देख रहे हो, या 0.5 से भी देख रहे हो, 1.5 से भी देख रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट अगर आपको बेसिक नहीं समझा रहेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं डायरेक्टली हेडिंग डालता हूँ आपके चैप्टर का नाम, जो नाम है आपका मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि मेजरमेंट ही होता है, आप ये ध्यान रखो। मेजरमेंट मतलब जैसे अभी तक मेजर करते आए हुए चीज़ों को, वैसे यहाँ पे भी हमें चीज़ें मेजर करनी है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों का मेजरमेंट क्या होगा। चलो कुछ सिंपल सी कुछ छोटी मोटी बातें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कि आपने अभी तक, ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन से रिलेटेड आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है अभी तक, या आपके लिए एकदम नया है, नहीं। जिन्होंने चैप्टर को थोड़ा भी एक बार भी ओपन किया होगा ना, उनको पता होगा हाँ ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, 9th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सब तो आपने पहले से भी पढ़ा है। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर में कुछ और नहीं मिलने वाला है, यही है, एरिया फाइंड आउट करना रहेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहेगा। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो 9th तक नहीं थे, उनको थोड़ा और अच्छे से बिल्ड कर दिया जाएगा, और अच्छा बना दिया जाएगा, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सब कहने का मतलब चैप्टर बहुत मजेदार है, मजा आने वाला है पढ़ने में, तुमको भी आएगा शायद, आना चाहिए, पढ़ो ध्यान दो, बिल्कुल मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एंडिंग की बात। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, आपको पता है 1-dimensional चीज़ें, 2-dimensional चीज़ें होती हैं, और 3-dimensional चीज़ें होती हैं। यहाँ से मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, तुम बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैं ध्यान मान सकता हूँ, मान लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, इस बात का बुरा मान लेना, ऐसा मान लेता हूँ। तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 1-dimensional होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2-dimensional होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 3-dimensional होती हैं। इनका मतलब कुछ और नहीं है, मतलब 1-dimensional का मतलब भी मेजरमेंट होता है, डायमेंशन का मतलब भी मेजरमेंट होता है। तो जो जहां पर बोला जाए 1-dimensional, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही मेजरमेंट होगा, है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजरमेंट मिलेगा। मतलब मान लो मैंने एक लाइन खींच दी और मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर का है, तो क्या इसके अलावा कुछ और इसका तुम मेजर कर सकते हो? कुछ अगर इसको मैं खड़ा करके रख दो तुम बोलोगे सर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, और टेढ़ा करके रख दो तो भी 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके पास और कोई दूसरा मेजरमेंट आप ला ही नहीं सकते। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं हाँ, इन लोगों की जिंदगी 1-dimensional में गुजर रही है। किस में गुजर रही है? 1-dimensional, जिनको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ फर्क कुछ पता ही नहीं। 2-dimensional क्या होते हैं? 2-dimensional मतलब जैसे अगर 1-dimensional में 1 मेजरमेंट, तो 2-dimensional में सिंपल सी बात है 2 मेजरमेंट, लाइक दिस। लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद बताता हूँ 2 मेजरमेंट, ताकि बोल रहा हूँ ये सबके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे से बना सकते हो, बट समझना आपको इम्पोर्टेंट। 2 मेजरमेंट होंगे, 2 मेजरमेंट का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको डायग्राम में समझाने जाऊं तो कुछ ऐसा मान लो, या देखो इसमें 2 मेजरमेंट है, 1 मेजरमेंट से आपका काम नहीं बनेगा। अगर मान लो मैंने बोला ये 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट अबाउट दिस लेंथ? तो इसके पास है लेंथ, इसके पास भी, बट इसके पास एक और मेजरमेंट एक्स्ट्रा आ चुका है क्या? विड्थ, लेंथ के साथ विड्थ भी आ चुका है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो आपको टोटल कितने मेजरमेंट चाहिए? 2। थर्ड वाले चलते, तीसरा क्या होता है सर? तीसरा 3-dimensional, 3-dimensional वो जो हम जिंदगी जी रहे हैं,
अगर मगर तुम देख रहे हो मोबाइल देख रहे हो इधर उधर घर घर पर कहीं कॉर्नर में बैठ के खा किचन में बैठ के खाना पका रहे हो कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो तुम देख रहे हो ये सब कैसे देख रहे हो, थ्री डायमेंशन में देख रहे हो, टू डायमेंशन में आप चीज़ें नहीं देख रहे हो। तो चलो थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इनके पास कितने मेजरमेंट होंगे, थ्री मेजरमेंट होंगे। सिंपल सिंपल तरीके से समझते जाओ, चैप्टर बहुत ये झूठे हैं, चैप्टर बहुत आसान नहीं है, समझो सॉल्व करो तो आसान होगा चैप्टर, ऐसे डायरेक्टली आसान नहीं है। अगर मैं थ्री मेजरमेंट की बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं कि पहले ही आज तक कभी आपने ये सब बनाया नहीं, बचपन से बनाते आ रहे, तो बहुत ज्यादा डिस्कस तो मैं भी इस पर नहीं करना चाहता, बट हाँ एक सही इंट्रोडक्शन होना चैप्टर का जरूरी है, आपको समझ नहीं। अब आप अगर देखो तो इसके तीन मेजरमेंट है, एक तो इसका लेंथ हो गया एल यहाँ से यहाँ तक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये पीछे छुप गया है जो नीचे की साइड है, अगर आपको देखेगा ना थोड़ी देर बाद जब मैं डायग्राम एकदम पूरा डिटेल में बनाऊंगा तो सब देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो ये लेंथ हो गया, दूसरा इसके पास एक विड्थ भी है, इसे ब्रेथ मान लेता हूँ, बी मान लो ब्रेथ, जितना ये भी और ये उस साइड नीचे छुपा हुआ है, और ये वजह। तीसरे इसके पास क्या हो गया सर, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, इसके पास देखो हाइट भी है, क्या है हाइट, बोलो क्लियर, कोई डाउट। तो यहाँ पे टोटल कितने मेजरमेंट, ये हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने मेजरमेंट हमें मिले, तीन, वन डायमेंशन था एक मेजरमेंट, टू डायमेंशन दो मेजरमेंट, थ्री डायमेंशन तीन मेजरमेंट। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं यही आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ कि इस बोर्ड का ये बोर्ड जो है ये टू डायमेंशनल है या वन डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, तो आप देख के बोल सकते हो बोर्ड का, तो आप लेंथ निकाल सकते हो सिंपल, और एक विड्थ निकाल सकते हो, इसके अलावा कुछ निकाल सकते नहीं। तो ये कौन से डायमेंशन में गया, टू डायमेंशनल। जब भी कभी किसी चीज को प्लेन बोला जाता है ना, प्लेन कि मैं ये इस प्लेन में हूँ, उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन, तो इस समझ के रखना, याद रखना उस प्लेन का मतलब होता है कितने डायमेंशन की बात हो रही है, दो डायमेंशन। अच्छा इतना ही नहीं, आप कोई भी चीज ले लो, मान लो ये चौक का बॉक्स होता है, इस चौक का बॉक्स होता है, इससे ही समझते हैं बहुत अच्छे समझ गया, चौक का बॉक्स आई थिंक आपको दिखना चाहिए, इतना भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा। तो आप देखो इस वाले सरफेस की अगर बात करो, तो ये सरफेस मैंने किसकी बात की, सरफेस, तो सर्फेस का नाम आता है टू डायमेंशन दिमाग में आना चाहिए कि इसके पास एक लेंथ होगा एक विड्थ होगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अभी मैं आपको डायरेक्ट ऐसा दिखा रहा हूँ तब ये तुम्हें टू डी में दिख रहा है, व्हाई टू डी, बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व ओनली टू मेजरमेंट, सिर्फ लेंथ आप इसका देख सकते हैं और विड्थ देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ इसका आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट अगर मैंने सपोज करो थोड़ा सा इसी को ऐसा ट्रेंड किया, या कैसा ट्रेंड करो, तो हाँ ऐसा ट्रेंड करता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ऐसा ट्रेंड करता हूँ, अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा इसके पास लेंथ भी, इसके पास ब्रेथ भी, इसके पास एक डेप्थ भी है, या फिर आप ऐसा बोल दो इसे हाइट मान लो, इसे विड्थ बोल दो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया हाइट। तो अब इसके पास थिकनेस आ गई, ये होता है थ्री डायमेंशन की, हमारे तीन डायमेंशन है। एक चीज तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या सरफेस थ्री डायमेंशन हो सकता है, नहीं, सरफेस हमेशा उसके पास दो ही मेजरमेंट होगा, क्या कोई एक लाइन टू डायमेंशन हो सकता है, नहीं, उसको वो हमेशा सिंगल डायमेंशन होगा, क्योंकि एक लाइन के पास सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नाम की कोई चीज ना, ये मत बोलना सर हम माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो थोड़ा थिकनेस निकले, मत करो ऐसा, जब चल बताएगी तब ये सब करना, अभी तो सिंपल तरीके से ये समझो कि अगर कोई लाइन है तो वो सिंगल डायमेंशन में है, कोई अगर ऐसा कुछ शेप दिख रहा है तो डबल, अच्छा वही, चलो एक सिंपल सा ये सर्कल बनाया मैंने, मुझे यही बताओ ये सर्कल वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन, सोचो सर्कल कैसा है, वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, बोल भी रहोगे कौन सा मुझे सुनाई दे रहा है, गलत सही चाहे जो बोलो। देखिए ये सर्कल टू डायमेंशन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसकी कुछ लेंथ होगी, हाँ ठीक है ये लेंथ, इसकी कुछ विड्थ होगी, हाँ ये विड्थ, कुछ थिकनेस है कैसा, नहीं, तो कितने मेजरमेंट है इसके, तो आप बोलोगे सर ये तो डायमीटर है, डायमीटर ठीक है, बट है ना इसके पास एक ऐसा भी है और ऐसे भी है, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा सर्फेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल ये भी क्या है टू डायमेंशन ऐसे। बट अगर वहीं पर मैं ऐसा कुछ बना बताई रहा हूँ तो जरा देख के आप समझने की कोशिश करना, बास्केटबॉल का जो बॉल होता है ऐसे ही दिखता है, थोड़ा थोड़ा है ना आपको दिख रहा होगा ऐसा कि इसके पास ऐसे ऐसे तो है, बाद में ये थोड़ा बाहर भी होगा, इट्स लाइक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या बन गया हमारा, ये थ्री डायमेंशनल बन गया, कैसा बन गया थ्री डायमेंशनल, बात समझ में आ रही। तो एक सिंपल सा फर्क बताओ इन तीनों में, जो वन डायमेंशन होता है ना वो सिर्फ एक लाइन होती है उसको तो देख के समझो, जो टू डायमेंशन होता है ना उसके पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस होता है, जो क्या होता है सरफेस होता है,
उसके पास क्या होता है सरफेस, सरफेस का मतलब एरिया, सरफेस का मतलब एरिया, मतलब आप समझो चक्र कैसे बिल्ड हो रहा है, मतलब अगर कहीं टू डायमेंशनल वाली चीजें हैं तो वो या तो तुमको दो मेजरमेंट पूछ सकते हैं कि लेंथ बताओ और ब्रेथ बताओ, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे क्या पूछ सकते हैं कि एरिया बताओ, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकते क्योंकि टू डायमेंशनल सिर्फ एक ही चीज है। जहां सरफेस की बात आई वहां मतलब एरिया, वो टू डायमेंशनल की बात है। जैसे आप अपने क्लास में जाते होते बेंच पे बैठते होगे, तो जब आप बेंच पे बैठते हो तो कुछ जगह घेर लेते हो कि नहीं घेर लेते, तो जितनी जगह आप घेर लेते हो, अगर एक मार्कर से थोड़ा आप बैठ गए उसका एक मार्कर लेके, उसके बाद जैसे ही बैठे हो एक मार्कर लेके पूरा मार्क कर दो, मार्क करके जब आप उठोगे ऐसे साइड में उठ के देखोगे तो बेंच के ऊपर मार्किंग रहेगी, वो जो मार्किंग होगी वो कितने डायमेंशन वाली होगी, टू डायमेंशन पर, क्योंकि वो एक सरफेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सरफेस, समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, फास्ट नहीं जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ स्लो करके फिर उसके बाद जा रहा हूँ तुम देखना, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या ड्रॉ किया, ये मैंने एक चीज रखा कहीं पे और उसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया, जहां इतनी जगह मेरे हाथ में घेर के रखा था, बोला आया ना, जितनी जगह कोई घेर के रखता है उसे बोला जाता है कि वो एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। इन सब के पास दो ही डायमेंशन है, इनके पास सिर्फ लेंथ है, यहाँ से इतना चौड़ा मेरा आता है और ये उसकी हाइट है बस, और कोई थिकनेस यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट रियलिटी में मेरा हाथ थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि पता है हाँ इसकी इतना थिकनेस है, ये इतनी इसकी हाइट है और थोड़ा सा मोटा बेटा, तो तीन मेजरमेंट है इसके पास। बट अगर मैं रैप के सिर्फ वही बना ड्रॉ करूँ तो ये सिर्फ सरफेस की बात होगी, मतलब अगर मान लो ये बॉक्स उठाया मैंने और ये बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, हाथ पे ऐसे रख दिया मैंने, तो इस बॉक्स को जब मैं हटाऊंगा, अगर मैं बाउंड्री बना दूँ तो बॉक्स को हटाऊंगा तो ये थोड़ा एरिया मेरे हाथ में घेर के रखा था कि नहीं, जितना उसने घेर के रखा था उसे हम बोलते हैं एरिया, उसे हम क्या बोलेंगे एरिया, हिंदी में से बोला जाता है क्षेत्रफल, क्या बोला जाता है क्षेत्रफल। क्लियर हुआ टू डायमेंशन, अब बात करते हैं हम थ्री डायमेंशन, तो मतलब आपको इतना तो होते का आइडिया आ गया होगा कि सर हमें तो चैप्टर का नाम हमारे मेंशनेशन है जिसमें हमें एरिया भी पढ़ना है वॉल्यूम भी पढ़ना है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ मिलने वाले हैं, बिल्कुल हम यहाँ मिलने वाले हैं, जिनको टुकड़ों में हम बांटेंगे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है, दोनों को मिला के हम फॉर्मूलाज को थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, ठीक डिस्कस करते हैं। थ्री डायमेंशन, तो थ्री डायमेंशन की पहचान क्या है, जब जब उन्होंने किसी कभी तो आपसे वॉल्यूम पूछा, क्या पूछा जाए वॉल्यूम, तब तो समझ लेना थ्री डायमेंशनल बॉडी की बात हो गई। जैसे एक ग्लास हो गया, एक बकेट है, चलो ऐसा समझता हूँ, फर्क समझो कि वॉल्यूम और एरिया में फर्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड एरिया है क्या। मान लो मैंने एक बकेट लाया, ऐसे दिखता ना एक बकेट, मेरे हिसाब से वैसे ही दिखता है, ठीक ये रहा बकेट। मान लो मेरा मन किया इसमें पानी भरने का, तो मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर के रख दिया। अच्छा एक बात, मान लो इस बकेट को मैंने उठाया और कहीं और रख दिया, सिंपल सिंपल सी बात, जैसे मैंने इसे उठाया कहीं और, जैसे मैं कहीं और पे रखूंगा, जो ये नीचे जितनी दूर में ये रखा गया था ऐसा नीचे जमीन पे, हाँ जमीन पे रखा था, तो वहां पे ऐसा गोल सा आता है नहीं आता है, क्योंकि उतनी जगह इसने घेर के रखी थी। ये इस बकेट का क्या हुआ, बेस, उसके बेस का एरिया क्या हुआ, एरिया, जगह कितना घेर के रखा है, दैट इज एरिया। लेकिन मुझे ये बताओ इसके अंदर पानी के आया ही नहीं कुछ, इसने कुछ अपने पास रखा भी नहीं, इसने कंटेंट करके रखा ही नहीं, इसने इसके अंदर क्या है, वाटर, वाटर मतलब इसकी खुद की, इस कंटेनर की अपनी खुद की कैपेसिटी है, इसकी खुद की क्या है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बोला जाता है किसी चीज के अंदर कितनी चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा समझो, मान लो ये मैंने बोला इसका सर्फ ये, इसका मैं लेंथ इनटू ब्रेथ कर दूंगा मुझे एरिया मिल जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर के भरे हुए चौक, इसके अंदर कितनी जगह, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जिस क्लास में बैठे हो, जहां पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, है ना, आसमान के नीचे बैठे हो एकदम खुले आसमान के नीचे, तो भी चलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक क्लोज लूप बना ही देगा, है अगर ऊपर बहुत दूर की सोच रखे हैं तो। बट अभी अगर आप समझो किसी रूम में बैठ के आप अगर देख रहे हो, तो उस रूम में बहुत सारे सामान रखे होंगे आपके अलग बगल,
वो सामान जितनी जगह नीचे घेर रहे हैं सरफेस पे वो उसका एरिया है, और उस चीज के अंदर कितनी चीजें आ गई हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है जब भी किसी कैपेसिटी का नाम आए, किसका नाम है कैपेसिटी की, किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है। मान लो हर बहुत सारे क्वेश्चन में वॉल्यूम बोल के वो नहीं पूछेंगे तुमसे, बहुत सारे क्वेश्चन में तुमसे वॉल्यूम का नाम भी नहीं देंगे, सीधा बोलेंगे कैपेसिटी फाइंड आउट करो कि उसका कैपेसिटी कितना है। तो आप समझो कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना उसके अंदर खाली जगह है। जैसे मैं इसी क्लास की बात करूँ तो इस क्लास के अंदर जिसमें मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मेरे सामने बेंचेस लगे हुए हैं, तो बेंचेस ने बहुत सारी जगह घेर के रखी है, वो उसका एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं सपोज करो इसी के अंदर कुछ सामान ला के रखना, मान लो ऐसे ऐसे बॉक्स ला के रखना चालू करूँ, और एक नहीं मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे तब तक इस बॉक्स को रखना है इस रूम के अंदर, इस क्लास के अंदर मुझे तब तक ये बॉक्स रखना है जब तक कि ये पूरा क्लास भर नहीं जाता, तो मैं एक रखूंगा। तो क्या मैं एक लाइन सिर्फ नीचे बिछाऊंगा? नहीं, ऊपर की तो पूरी जगह खाली रह जाएगी, तो मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कहां तक रखे जाऊंगा? ये एकदम फ्लोर के टॉप कहां से लेके बॉटम तक, और पूरे क्लास में भरूंगा। भरने के बाद जब पूरा भर जाएगा तब मैं देखूंगा कितना टोटल हुआ, तो जितना हुआ वही इसका वॉल्यूम था, जितना हुआ वही उसका वॉल्यूम। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई 10 लीटर का एक पॉकेट है जो नीचे थोड़ा सा कुछ जगह घेर रहा है, जितना जगह घेर रहा है वो उसका एरिया हो गया, और जितना लीटर उसके अंदर पानी आ रहा है वो उसका वॉल्यूम, वो उसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। फुल बात एकदम समझ में। तो सबसे पहले तो आपको चक्र का नाम मेंसुरेशन है, जिसमें आपको मिलने वाला है क्या क्या, एरिया मिलने वाला है एंड वॉल्यूम दोनों मिलने वाला है। चौक गिर गया मतलब लेक्चर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एरिया भी आपको मिलने वाला है, वॉल्यूम भी आपको मिलने वाला है, इट मीन सारी चीजें दोनों चीजें मिल रही है, मतलब सब मिला जुला के कहने का मतलब 3 डायमेंशनल हमें पढ़ना है, 2D के बारे में उतना नहीं सोचना है, 2D के बारे में इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि 2D आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। बट हाँ, बिना 2D के आप ये 3 मेजरमेंट वाले या 3 डायमेंशनल या एरिया एंड वॉल्यूम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब लॉजिक आपका नहीं क्लियर हो सकता। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं पहले उनके ऊपर कि 2 डायमेंशनल में से कौन कौन सी चीजें आपको आनी ही चाहिए। चलो देख लेते, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की, क्योंकि 2 डायमेंशनल में क्या आता है एरिया। मैं सिर्फ 2D की बात कर रहा हूँ बच्चों, कुछ बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, कि मतलब मैं वॉल्यूम की भी बात करूँ, उनका फॉर्मूला ट्राई करूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, एरिया के बारे में, जहाँ पे 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल वाली कौन कौन सी चीजें आपको काम में आने वाली है इनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली चीज 2 डायमेंशनल में आपको काम आएगी, मान लो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ L होता है, ब्रेथ D होता है। अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो बहुत सिंपली आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यही याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम भर भर के है, ऐसा समझ के चलो। आपको इतना याद होना चाहिए कि हाँ एक कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इनटू, बाकी किसी बहुत सारे नहीं याद करेंगे, पैरेललोग्राम होगा, बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बट वो सब नहीं पढ़ना। हमें कौन कौन सा इस चैप्टर के लिए किसकी किसकी जरूरत है वो चीजें मैं खास सबको बता रहा हूँ, बाकी हमें। दूसरा अगर मैं बात करूं स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ये सब देखो 2 डायमेंशनल है, सिर्फ इसके पास लेंथ है ब्रेथ है, इसके पास भी एक लेंथ है और ब्रेथ है, बस वही है, वो अलग बात है दोनों इक्वल है तो हम क्या है दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों अलग है यहाँ दोनों इक्वल है, बट है तो दो मेजरमेंट ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान लेते हैं लेंथ एल है, तो इसका भी ब्रेथ भी कितना होगा एल, क्योंकि ये स्क्वायर हमें नाम लिख देता नहीं तो आप लोग बोले सर ने पढ़ाया था वही नहीं होता। ये रेक्टेंगल हो गया और इसका नाम बड़ा खूबसूरत सा नाम है इसका स्क्वायर, क्या नाम है इसका स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, मतलब एल का स्क्वायर, बोलो ये भी बात चलिए आगे बढ़ो। और क्या आपको इस चैप्टर में देखना है, इस चैप्टर में और 2 डायमेंशनल की अगर मैं एरिया की बात करूं तो आपको आना चाहिए मान लो सर्कल है, ये सर्कल रहा हमारा, तो अगर इस सर्कल का अगर सर्कल है तो आपको इसके पास रेडियस होगा, तो रेडियस हम मान लेते हैं इसका कितना रेडियस कितना होगा। तो अगर सर्कल के 2 मेजरमेंट आपको पता होंगे अगर आपको पता, अच्छा इनके पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर हमेशा याद रखना सम ऑफ ऑल साइड होता है, मतलब एल डी प्लस एल प्लस डी, चारों साइड को है। अरे पेरीमीटर का मतलब होता है कि जैसे हम घर खेतों तो मैं सपोज करो कोई कोई खेती कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे अनाज उगाए हैं, बट डर इस बात का है कि जानवर आके खा के जाएंगे, तो क्या करते हैं पोल लगाते हैं पूरे बाउंड्री में और वायर की फेंसिंग कर देते हैं, कांटे वाले वायर आते हैं ना उससे क्या कर देते हैं फेंसिंग। तो फेंसिंग कितनी बड़ी लगाते हैं, अगर मान लो एक राउंड मारना है
तो फेंसिंग कितनी लगाएंगे, जितने चारों साइड का एडिशन होगा उसे ही बोला जाता है पेरीमीटर। का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है बाउंड्री? सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका याद रखने का यही याद रखो कि व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, उसे ही बोला जाता है पेरीमीटर। तो मान लेते हैं ये रेडियस आर है, तो इसका आपको एक चीज पता होना चाहिए सबसे पहली बात, तो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका कैसे निकला, इसका यहां तो सम ऑफ ऑल साइड समझ में आया, यहां लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करके हमें मिल जाएगा यहां पेरीमीटर क्या होगा। तो यहां पेरीमीटर के लिए हमने धागा रखी है, घुमा देंगे ऊपर से, जितना बड़ा धागा आया वही उसका पेरीमीटर हो गया। अरे बोलो हां यार, लेकिन उसे ऐसा लिखेंगे नहीं, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई आर। बहुत पहले से पढ़ गया था आदिल को पाई की वैल्यू नहीं पता होगी, पाई का वैल्यू पाई पता है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14 एज पर योर कन्वीनियंस आप इसका यूज करोगे। कभी कभी आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना रहेगा और कभी कभी आपको 3.14। याद रखना पाई एक, कभी हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से, आज नहीं किसी और लेक्चर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में पाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पाई। बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए हैं खोज के, अभी तक पाई की 100% करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई है। आप जानते भी होंगे सर, नहीं जानते होंगे तो जान लें कि हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी और वीडियो में हम बिल्कुल जरूर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास टाइम रहेगा। फिर आज तो हमारा यही काफी टाइम ले रहा है तो इसमें हम डिस्कस करते रहे। तो एक तो आपको सर्कमफेरेंस याद रखना है कितना होता है, 2πr, और दूसरा इसी सर्कल का एरिया भी आपको याद रहना चाहिए। तो कुछ ज्यादा तो है नहीं, एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो सब मिला जुला के अच्छा, ये इतने फॉर्मूलास तो आपको आई थिंक आने ही चाहिए, नहीं आते होंगे मेरे हिसाब से, ये आपको आता होगा बहुत अच्छे से आता होगा। क्यों? क्योंकि ये आप पहली बार नहीं, मुझे लगता है ये रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकालना है, 7-6 से 6 अगर मैं एक बार छोड़ भी दूं तो 7 से तो पढ़ ही रहे हो, 7 हो गया 8 हो गया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम के बारे में भी आप पढ़े हो, लेकिन मैं आगे बोला उसको साइड में रखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, और फिर ये हो जाता है हमारा सर्कल का। अगर सर्कमफेरेंस की बात करें, सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, मतलब पेरीमीटर, इसका सर्कल का पेरीमीटर। इसमें पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मैं यहां पे लिख देता हूं, पेरीमीटर का मतलब ये होता है, पेरीमीटर इसका मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जितना आंसर आता है वो उसका पेरीमीटर होता है। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास कुछ है सवाल, ऐसा अब इससे ही समझ लो, मान लो ये लेंथ दिया है कितना है, ये कितना है, ये कितना, अब आपको मान लो इसके अगल बगल वायर लगवानी है, तो यहां से वायर आप अगर लगाना चालू करोगे ऐसे क्या होगा, ऐसे वायर लगे, अब जो वायर अगर नाप दिया उसको फैला देख लो टोटल कितना लंबा होगा, वही हो गया आपका क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कुछ और है क्या, सम ऑफ ऑल साइड ना, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये 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 सबको ऐड करता तो वही आपका क्या हो गया पेरीमीटर। तो ध्यान, पर सर्कल में पेरीमीटर हमें मिलेगा नहीं, तो इसलिए सर्कल का एक फॉर्मूला है 2πr। यहाँ पे आपको साइड नहीं दिख रहा होगा इसका, कोई सर्कल का कोई साइड, साइड ना होने से बाउंड्री नहीं रहेगी, ऐसा फिर कहीं जाए बाउंड्री है तो उसको आप मेजर कर लो तो वही आपका हो जाता है। कुछ और चीजें इस चैप्टर में है, लेकिन वो हम बात करेंगे जब हमारी कुछ चीजें एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाए, तो जब हम सर्कल के सेक्टर के ऊपर हमें डिस्कस करना है 2D में, बट वो हम बाद में डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है, पहले हम कुछ चीजों को पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल रही है। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, और कौन कौन सी कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट बाकी हुई है तो उसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि एक आध फॉर्मूले हैं जिनको मैं लिख के दे दूँ तो काम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, काफ़ी फॉर्मूलाज की लिस्ट, तो एक साथ ही उन सारे वीडियोज को मतलब फॉर्मूलाज को एक ही जगह पे एक ही वीडियो में रखेंगे, ताकि आपको लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना, आई विल ट्राई कि मतलब जितने आसानी से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए उतना अच्छा है, आपको डिराइव करने आ जाए कि कैसे क्या फॉर्मूला, अगर आपको मान लो एग्जाम में नहीं आ रहा तो आपको पता चल जाए कहाँ कैसे निकालना। तो अच्छा है, हम
नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताता हूँ इसके बाद पूरी कहानी की फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं और कैसे कैसे आने वाले हैं। अपने आवाज़ें सुनी होगी, अगर आई होगी तो बाहर और गड्डी लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाए और ध्यान देते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बोलने से पहले मुझे कुछ और बोलना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, इधर उधर शेयर करें, जिनको जरूरत है उन तक इस लेक्चर को जरूर पहुँचाएं। अब मिलते हैं हम इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अच्छा।